इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डिसमिल को हम धूर में बदल सकते हैं। अगर डिसमिल, अगर आपको पता है कि इतनी डिसमिल जमीन है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि कितनी धूर जमीन होगा उसमें, ठीक है। और उसके सहायता से आप मतलब कट्ठा में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इस ग्रीन बोर्ड पे, और आपको डिसमिल से क्या करना है, डिसमिल से बदलना है क्या चीज में, डिसमिल से आपको बदलना है धूर में। डिसमिल से धूर में बदलना है, बराबर है। देखिए उसके बाद देखिए डिसमिल क्या होता है। देखिए डिसमिल के बारे में जान लीजिए। डिसमिल का मान पूरे ऑल इंडिया में सेम होता है, यानी फिक्स होता है। भारत की किसी भी कोने से है, डिसमिल का मान सेम ही होगा, ठीक है। और डिसमिल अगर कोई अदर कंट्री में चल रहा है, यानी अदर देश में चलता है, तो वो भी डिसमिल का मान यही होगा। और डिसमिल का मान ऑल इंडिया और कहीं भी चलता है तो डिसमिल का मान सेम ही होता है, ठीक है। ये डिसमिल का मान जो निर्माण किया गया है, ठीक है, इसका जो निर्माण कार्य किया गया, इसका जो वैल्यू जो है वो रखा गया उस 5.5 हाथ की लघी पे। लेकिन आपको लघी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये 5.5 हाथ की लघी पे इसको सेट करके ऑल इंडिया में लागू करके और पूरे जमीन का जो पैमाइश है वो डिसमिल में कर दिया गया। और डिसमिल से ही एकड़ बनता है, ठीक है। तो कभी भी पेपर में आपको एकड़ नजर आएगा, ठीक है। वो एकड़ को आप क्या करते हैं, डिसमिल में चेंज करते हैं। फिर डिसमिल को आप क्या करते हैं, धूर कट्ठा में आप चेंज करके जमीन जान लेते हैं कितना है, और स्क्वायर फीट में भी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्वायर फीट में भी आप चेंज कर सकते हैं और धूर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट जमीन होता है। क्या वर्ग फीट, यानी स्क्वायर फीट बोलिए या वर्ग फीट बोलिए, बात बराबर है, ठीक। 435.6, ठीक है। अब धूर का बात हुआ कि एक धूर में कितना जमीन होता है। तो देखिए ये धूर जो है ना, ये लघी का जो मान होता है, लघी के मान पर, मतलब लघी के मान से ये बनता है। क्या लघी के मान से ये क्या होता है, बनता है, यानी लघी के मान पे ही निर्भर करता है। तो लघी का मान अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, बहुत व्यक्ति को जानकारी है, बहुत व्यक्ति को जानकारी नहीं भी होगा, ठीक है। लघी का मान अगर नहीं होगा तो वहां पे धूर कट्ठा बीघा का बात ही नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इसी से बनता है। और अगर जहां पे लघी के मान से कोई माने मतलब नहीं है, वहां पे डायरेक्ट डिसमिल पे काम होता है, ठीक है। और डिसमिल या गज में काम होता है, ठीक है। जैसे दिल्ली में जाएंगे डिसमिल और गज पे ही काम होता है, वहां पे कोई कट्ठा वगैरह नहीं चलता है, क्योंकि ये कट्ठा का जो कट्ठा या धूर, ठीक है, या बीघा, इसका जो एक होता है ना, मतलब एरिया के हिसाब से स्क्वायर फीट में, ठीक है, एरिया में चेंजिंग यानी कम बेसी होता रहता है। अगर लघी का मान अधिक रहेगा तो आप वहां पे देखेंगे कि जमीन का जो है एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए लघी पे डिपेंड करता है। तो लघी बहुत प्रकार का होता है, 4 हाथ से भारत में 12 हाथ तक चलता है, ठीक है, 4 हाथ से 12 तक चलता है, इतना सभी को पता है। फिर हम आगे बात करते हैं, लेकिन हमको तो जानना है डिसमिल से हमको कन्वर्ट करना है धूर में, ठीक है। तो धूर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए इतना इसका मान इतना ही है, आप लोग जानते हैं। अब हम इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप कितनी हाथ की लगी रखना आपके एरिया में चलता है। अधिकतर जगह 5.5 हाथ और 6.5 हाथ चलता है अधिकतर जगह, और अलग अलग एरिया में लगी का मान अलग भी हो सकता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार होता है, इस चीज़ पे आप लोग गौर कीजिएगा। देखिए मान के चलिए जहाँ पे 6.5 हाथ की लगी चल रहा है, कहाँ 6.5 हाथ की लगी चलता है, ठीक है, वहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमको पता है कि इसमें 435.6 वर्ग फीट होता है। क्या वर्ग फीट एक डिसमिल में, ठीक है। तो आपको जो है एक धूर का मान होगा, ऑटोमेटिक इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डिसमिल में जान सकते हैं कि कितने, मतलब एक डिसमिल में कितना धूर है। ये एक डिसमिल का मान है, क्या एक डिसमिल का मान है, ये एक डिसमिल बराबर इतना होता है, एक डिसमिल, यही डिसमिल का यहाँ पे हम लिख दिए। तो एक धूर में देखिए, तो लघी का जो मान होता है ना, ठीक है,
उसको जब स्क्वायर कर देते हो धूर का मान बन जाता है। तो साढ़े छः हाथ की लगी है, तो जहाँ पे साढ़े छः हाथ की लगी चलता है वहाँ का बात कर रहे हैं हम। तो डायरेक्ट ही आपको बता सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हम प्रोसेस कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा से आप भी कर सकते हैं और साढ़े पाँच हाथ की लगी भी हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, देखिए इसमें जो है हम पहले साढ़े छः हाथ की लगी ले लेते हैं। साढ़े छः हाथ की लगी से एक धूर में जो है धूर बराबर होता है लगी स्क्वायर, सूत्र से ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लगी स्क्वायर। ठीक है, और तो कितनी हाथ की लगी है हम अभी देख रहे हैं ब्रैकेट में, आप देखिए यहाँ पे जो हम करेंगे साढ़े छः हाथ की लगी से। ठीक है, साढ़े छः हाथ की लगी से आप लोग को नहीं दिखता है, बस मेरा वॉइस से आप समझ जाइए कि साढ़े छः हाथ की लगी से यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो साढ़े छः हाथ की लगी, तो लगी लगी को हम क्या करेंगे, पहले हम फीट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आसानी होगा, यहाँ पे आप लोग को हो सकता है ना दिखे, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए। ठीक है, यहाँ पे 6.5 है, क्या लिखा है 6.5, इसको आप डेढ़ से गुना करेंगे यानी 1.5 से, यानी एक हाथ में डेढ़ फीट होता है। ठीक है, एक हाथ में डेढ़ फीट होता है, इसको स्क्वायर करेंगे ये धूर का मान निकल जाएगा वर्ग फीट में। ठीक है, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे हम शॉर्ट फॉर्म मार देते हैं, फिर आप लोग इसको देख सकते हैं, जब इसको आप गुना करेंगे, ठीक है, तो ये तोड़ तार के इसको कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा आपको 95.0625 वर्ग फीट। ठीक है, ये जो मान है ना, ये मान अभी जो मान देख रहे हैं, ये मान आपको जो है एक धूर का मान है। क्या है, एक धूर का, देखिए तो एक धूर में इतना होता है, तो हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है धूर में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अगर डिसमिल से हमको धूल में चेंज करना है, इस डिसमिल को धूल में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, एक डिसमिल का मान लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उससे हम धूल के मान से भाग देंगे तो निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार, देख लीजिए एक बार, देखिए हम क्या करेंगे, धूल बराबर 435.6 वर्ग फीट है। ठीक है, तो वर्ग फीट हम नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाइए वर्ग फीट लिखा, स्क्वायर फीट लिख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर फीट, चलिए वर्ग फीट छोटा में लिख देते हैं, वर्ग फीट है ये। ठीक है, अब इसको 95.0625 वर्ग फीट से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए वर्ग फीट कट गया, अब इसको जब आप भाग देंगे ना, तो ये जो आएगा आपको 4.36 और उसके बाद दशमलव के बाद और बहुत सारे अंक होंगे, लेकिन हम यहाँ पे दशमलव के बाद दो ही अंक लिए, तो इतना ये डिस ये सॉरी 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 यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिसमिल में चेंज कर रहे हैं ना, डिसमिल में चेंज कर रहे हैं, सॉरी इतना नहीं आएगा, इसको भाग देंगे हम, क्या करेंगे भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो मान आएगा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ठीक है, वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम वहाँ पर हम एक कट्ठा का मान लिख रहे थे, यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है 4.58, ठीक है 4.5822, लेकिन आप 4.58 ले सकते हैं, इतना धूर आ जाएगा। ठीक है, इतना धूर आ जाएगा, वहाँ पे हम जो है जो आपको मान जो दे रहे थे वो जो है एक कट्ठा में 4.36 डिसमिल होता है एक कट्ठा में। ठीक है, ये तो हो गया आपको एक डिसमिल में इतना मान होता है, एक डिसमिल में इतना मान होता है, इतना जान गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, तो साढ़े छः हाथ की लगी से एक डिसमिल में 4.6 डिसमिल होता है एक कट्ठा का, ये मान है। ठीक है, यहाँ पे धोखा से लिखा गया था, इसलिए हम उस चीज़ को जो बात वहाँ पर लिखा गया था वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसी प्रकार आप जा सकते हैं साढ़े पाँच हाथ की लगी, ठीक है साढ़े पाँच हाथ की लगी, अगर कैलकुलेशन में आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कुछ भी फोल्ड हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी किसी से भी गलती हो सकता है, तो कैलकुलेशन वगैरह में गलती कभी कभी किसी से भी हो सकता है, तो कोई फिक्स नहीं, हर आदमी दुनिया में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा मिस्टेक उनसे हो जाता है गलती से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिए ये तो हो गया आपको साढ़े छः हाथ की लगी से। ठीक है, साढ़े छः हाथ की लगी से एक डिसमिल में जो है ना 4.5822 डिसमिल होता है। ठीक है, अब हम जो चलेंगे ना इसके बाद, गौर कीजिएगा, इसके बाद साढ़े पाँच हाथ की लगी में चलेंगे, सेम ही रहेगा, प्रोसेस सेम ही रहता है, बशर्ते यहाँ पे क्या होता है,
ये जो है लघी का मान साढ़े पाँच हाथ हो जाएगा, ठीक है, साढ़े पाँच हाथ। तो साढ़े पाँच हाथ में हम क्या करेंगे, गौर कीजिएगा आप, ठीक है, साढ़े पाँच हाथ। तो साढ़े पाँच हाथ में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी वही काम करना है जो अभी किए थे, सेम टू सेम करना है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, गौर कीजिएगा। इसमें भी आप आराम से ये साढ़े पाँच हाथ है, साढ़े पाँच हाथ को हम क्या करेंगे, फीट में चेंज करने के लिए 1.5 फुट से गुना कर देंगे, फीट में आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे, ये जो मान निकलेगा एक दूर का मान निकलेगा वर्ग फीट में, क्या चीज में, वर्ग फीट में। तो ये देखिए, तो ये एक डिसमिल का मान वर्ग फीट में निकलेगा, कितने हाथ के लगी से, साढ़े पाँच हाथ के लगी से, कितना लगे, कितना निकलेगा, ये देखिए ये जो निकलेगा इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, ये जो निकलेगा आपको 5.5 × 1.5 को गुना करेंगे, ये लघी का लंबाई जो है ना सो चेंज हो जाएगा फीट में, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो ये जाएगा 8.25 फीट, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये जो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 68.0625 वर्ग फीट, क्या, वर्ग फीट आ जाएगा। तो ये इतना, ये एक धुर का मान है, क्या है, ये एक धुर का मान है, ये जो मान है एक धुर का मान है, यहाँ पे देखिए एक धुर का मान है। अब ये एक धुर का मान निकल गया, अब इसको सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है, हमको निकालना है एक धुर, तो ये एक डिसमिल को हम धुर में चेंज करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पे धुर बराबर लिखेंगे तो धुर कितना हो जाएगा 435.6 में 68.0625 से भाग देंगे तो ये आपको जो मान आएगा वो क्या होगा, साढ़े पाँच हाथ की लगी से होगा। तो आप इस दोनों को भाग देंगे तो 6.4 धुर आ जाएगा, क्या, 6.4 धुर। तो ये धुर कितना आ गया, 6.4 धुर। तो एक डिसमिल, एक डिसमिल को जब हम धुर में चेंज किए, साढ़े पाँच हाथ की लगी से लगी का मान नहीं भूलिएगा, नहीं तो धरती और आसमान का फर्क दिख जाएगा आपको, लगी के मान पे ही निर्भर करता है। बहुत व्यक्ति को, बहुत सारे आदमी ये चीज़ आपको नहीं बताएंगे, बोलेंगे ये पुराना चीज़ चलेगा ही नहीं, उनको नॉलेज नहीं है, घिसा पीटा जो नॉलेज है थोड़ा मोड़ इधर उधर देख के वो कर रहे हैं, आपको क्या पता कि वो अमीन जो है सही काम कर रहा है कि गलत। बहुत सारे व्यक्ति 99% अमीन गलत काम करते हैं, ठीक है, 1% आदमी अमीन जो रहता है सो सही काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत व्यक्ति लगी का मान बोलेगा नहीं, लगी के मान के हिसाब से वो अलग अलग एरिया में कैसे धूल इकट्ठा निकलता है, कितने को डीप में नॉलेज नहीं, और बहुत सारे अमीन में नॉलेज होता है, अमीन सबको उतना डीप में नहीं पता रहता है, और गलती करते हैं उनको कभी पता ही नहीं चलता है। उसलिए जब आप इसको भाग देंगे तो 6.4 धुर हो जाएगा। बहुत सारे अमीन जो है ना जिनको नॉलेज नहीं है उसे कुछ पूछ दीजिएगा बोलेगा ये सब नहीं चलता है, बेवकूफ़ को पता ही नहीं है कि उनको नॉलेज, उनको होता है कि नहीं होता है, इंक्वायरी करने का कोशिश भी नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए बोलेगा होता ही नहीं है, गलत चीज़ है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये अमीन का ट्रेनिंग है, यहाँ पर पूरे बेसिक से रोमांस पढ़ाया जाता है यही विषय में। नॉर्मल इंसान को आप ठग सकते हैं, जो इसमें शिक्षित होंगे उसको नहीं ठग सकते हैं। अब अधिकतर आदमी पढ़े लिखे PhD किए हैं मैथ में, फिर भी वो ठकाते हैं उनसे, ये है सच्चाई इसका। देखिए इस दोनों को भाग देंगे तो इतना ये धूर निकला, इतना धूर। तो साढ़े पाँच हाथ की लगी जब एक डिसमिल को अब धूर में चेंज करते हैं, साढ़े पाँच हाथ की लगी थे, 6.4 आता है, क्या आता है, 6.4 आता है, और यही जो हम लगी का मान साढ़े छः कर दिए थे तो चार दशमलव पाँच आठ लीजिए, दशमलव के बाद दो ही अंक, इतना धूर होता है, ये साढ़े छः हाथ के लगे। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में यही चलता है, ठीक है, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा में, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अधिकतर जगह साढ़े छः हाथ के लगे चलता है, और साढ़े पाँच हाथ की लगी भी चलता है, झारखंड वगैरह में साढ़े पाँच हाथ की लगी चलता है, पश्चिम बंगाल में चार हाथ की लगी चलता है, और अलग जिला के हिसाब से लगी का मान चेंज हो जाता है, और एक ही जिला में तो दो दो लगी चलता है, उसका भी बहुत सारे कारण है। लगी पूरे भारत में एक समान नहीं हुआ, उसका भी कारण है। तो जितने भी हम पढ़ाते हैं उसमें पूरे डीप लेवल में पढ़ाते हैं, पूरे नए एकदम आधुनिक तरीका से पढ़ाते हैं उस चीज़ को, कि आपको कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता, कोई अमीन आपको लोलिया नहीं सकता, लोलिया नहीं मतलब आपको होता है ना बोलने नहीं थे, नहीं ऐसे कर सकता है। पूरे बेसिक से एडवांस पढ़ाते हैं, पूरे नया तरीका से, नया आदमी नया तरीका से पढ़ाएंगे, पुराना आदमी पुराना तरीका से पढ़ाएंगे, आपको पूरे नया तरीका से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कराया जाता है, पूरे चैलेंज करने वाले यहाँ पे अमीन बनाया जाता है, कोई लल्लू पंजू अमीन है, चैलेंज कर सकते हैं फील्ड में जाके कोई भी अमीन को। तो यहाँ पे अगर आप मान के चलिए ये सब तो बता दिए आपको, अगर कोर्स वगैरह आप करना चाहते हैं, 1 ईयर का डिप्लोमा करना चाहते हैं, या नॉलेज पर्पज से भी आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कराया जाता है।
ये ट्रेनिंग सेंटर आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में चलता है और नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ऑल इंडिया में हर जगह इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं, कोई भी वैकेंसी वगैरह आएगी उसमें आप डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अमीन का एक साल का डिप्लोमा मांग करेगा, आप डाल सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार की वेबसाइट पे शो करते हैं, इधर उधर जो है आपने बोलता है ना प्राइवेट वेबसाइट पे ये सब वगैरह नहीं, सरकारी वेबसाइट पे ही, और वो भी अमीन कोर्स के साथ। अभी तक पूरे बिहार में ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं जो भारत सरकार की वेबसाइट पे अमीन कोर्स के साथ शो करती हो, अभी तक नहीं है। बहुत व्यक्ति बोलते हैं है यहाँ है वहाँ है, बहुत सारे कराते हैं, हजारों की संख्या में है ऐसे, ठीक है, लेकिन वो कोई भारत सरकार की वेबसाइट पे इस तरह ट्रेनिंग सेंटर आपको नहीं शो करेगा, क्योंकि कराने के लिए बहुत सारे व्यक्ति कराते हैं। लेकिन हम देखे हैं, आपको देख लीजिए, और हो सकता है कि मेरे नज़र मेरे ये नॉलेज में ना हो कि यहाँ पे है या वहाँ पे है। आप गवर्नमेंट की पोर्टल पे अगर शो करता है gov.in या gov.bihar, इस टाइप पे अगर वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट ये होता है, कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं होता है, अगर उस वहाँ शो करती है तो दिखला सकते हैं, हम भी जानेंगे, हमको भी नॉलेज मिलेगा। लेकिन अभी तक है नहीं, मेरे जो नॉलेज है उसके अनुसार जितने भी हम सर्च वगैरह किए हैं अभी है नहीं, ठीक है। तो अगर करना चाहेंगे या कोई भी इंक्वायरी हो, ये व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, कोर्स के बारे में, आपको फुली जानकारी दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।